We have not given the status to any thief or any dacoit, any person facing many corruption charges. These people are not saints only. They are doing a very fine work in the social field also. So I condemn totally Congress for opposing these things. दर्जा और पद, इससे हटकर मैं सेवक हूँ, और जो सेवक होता है वो ना मंत्री होता है ना संतरी होता है, वो मात्र सेवक होता है। मैं राष्ट्र का, समाज का और मानवतावादी विचारों का सेवक हूँ। लोगों ने मांगा तो नहीं है, पर मध्य प्रदेश सरकार ने यदि दिया है तो उन्होंने हम लोग की कार्य की गति को देखा है कि हम लोग का जो कार्य है वो 24 घंटे दौड़ने का काम है। हम लोग चाह रहे थे कि नर्मदा में और जो पेड़ इधर उधर हो रहे हैं उनकी और अच्छी व्यवस्थाएं हो, साफ सुथरा बने, उसके लिए और चार चांद लगना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनः एक कमेटी गठित कर दी, एक समिति बना दी, और समिति बना करके उन्होंने संतों को राज्यमंत्री का दर्जा इसलिए दे दिया है क्योंकि वो काम ज्यादा कर सके। हम लोगों के अपनी अपनी बात को रखने का सबको अधिकार होता है, तो साधु संतों ने अपनी बात को रखी मुख्यमंत्री जी के सामने, और हम लोग नर्मदा के प्रति आस्था रखने वाले जो है, क्योंकि उसके हर घाट घाट हमारे साधु संतों के उसके बाजू में कुटिया बनी हुई हैं, साधु संतों का वहाँ भजन पूजन होता है, तो क्यों ना साधु संतों को कुछ ऐसा कार्य दिया जाए। नर्मदा घाटी के लोग जो जानते हैं उनको तो विस्थापित और वंचित रखा जा रहा है, उसके सामने क्या इन साधुओं की समिति एक संघर्षशील भूमिका भी ले पाएगी? जबकि वो लाल बत्ती की गाड़ी लेकर राज्य मंत्री बनकर ये कार्य करेंगे तो क्या कर पाएंगे वो लोग इस नदी को बचाने के लिए? ये हमारा स्पष्ट सवाल है। लगता है चुनाव के पहले की एक राजनीतिक चाल फिर से शिवराज सिंह जी ने नर्मदा के ही नाम पर खेली है, पर नर्मदा माता उनको बख्शेगी नहीं।